हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चीज़ी ब्रेड और रोल बनाएंगे। गाइस देखिए, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगती है। 2 से 3 आलू, चीज़ स्लाइस में कटे हुए, ब्रेड लगेंगी, और तड़के के लिए गाइस जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा बटर, स्वाद अनुसार नमक और हरी धनिया कटी हुई 1 कप। और ये प्याज गाइस 2 से 3 है, मीडियम साइज की प्याज है। और आलू में गाइस हम थोड़ा सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, जिससे हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये क्रश की हुई काली मिर्च है। गाइस चलिए अब हम बनाते हैं अपना ब्रेड कटलेट की आलू तैयार करते हैं। पहले हम डालेंगे गाइस जीरा, जीरा हो जाने पे गाइस फिर हम डालेंगे प्याज। प्याज के साथ ही साथ गाइस हम डाल देंगे बटर, ताकि बटर जले नहीं, इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे। गाइस हम आलू को मैश कर लेंगे, मैशर के सहायता से मैश कर लेंगे। और एक तरफ अपनी प्याज हम हल्का सा गोल्डन होने के लिए रख देंगे, उसमें से हल्का सा नमक डाल देंगे। इससे प्याज गाइस जल्दी लाल हो जाती है और टाइम नहीं लगता है। गाइस अब हमारी आलू भी तैयार हो गई है मैश होके। प्याज लाल हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो हम आलू डाल देंगे। गाइस प्याज में हरा बटर डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। कटलेट में प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होने से ही कटलेट में स्वाद रहता है। देखिए अब ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसी में अब हम आलू डालेंगे, उबले हुए आलू। गाइस ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप इसमें मिर्ची में डालिएगा तो बच्चों के लिए सही रहता है। हरी मिर्ची काट देंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची है, स्वाद अनुसार नमक है, और ये काली मिर्ची जो हमने कूट के रखी थी क्रश करके, ये वो है। अब इन सबको हम मिला देंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे आलू को, जिससे अच्छा स्वाद आता है। गाइस अब ये आलू भून के तैयार हो गई है। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला इसलिए लास्ट में डालेंगे कि ज़्यादा भुनने से चाट मसाला कड़वाने जाता है। इसलिए इसको तुरंत डाल के बस हरी धनिया मिलाएंगे। चलिए गाइस अब देखिए आलू
हमारी ठंडी हो गई है, अब हम ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करते हैं। पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें एक ब्रेड डालेंगे, और जिसको हम मतलब ज़्यादा देर नहीं भूनना है, फिर उसको डाल के तुरंत ही निकाल लेना और उसको हल्के हाथों से प्रेस करते रह जाना। सारा पानी निचुड़ जाने के बाद एकदम इस तरह देखिए आप हल्के हाथों से दबाते हुए आप इसका सारा पानी निकाल देंगे, और फिर इसमें चम्मच की सहायता से आप थोड़ी सी आलू रखेंगे जिसको हल्का सा प्रेस करके उसमें एक चीज़ की स्लाइस डाल देंगे। आप चीज़ अपने अनुसार भी ज़्यादा और कम रख सकते हैं, और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से आप चारों तरफ से कोनों को मिला देंगे, और फिर गाइस इसको हम हल्के हाथों से रोल ऐसे ऐसे घुमाते हुए रोल करते जाएंगे। देखिए जब आप रोल करेंगे तो आसानी से रोल हो जाता है, और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए गाइस हम फ्राई करने जा रहे हैं, हल्के हाथों से आप डालेंगे। मैंने पहले से चार बना के रखे हुए हैं। देखिए मीडियम फ्लेम में ही आप इसको पकाइएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम में पकाने से जल जाएंगे ये, और थोड़ी थोड़ी दूर पे ही आप इसको डालेंगे, ये आपस में चिपक जाते हैं तो खुल जाती है। देखिए गाइस अब ये कटलेट बनके तैयार हो गए हैं फ्राई होके, अब हम इन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। ये आप बनाएंगे आज तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो ये जो साइड के हैं निकाल भी सकते हैं, वैसे ये लगे रहते अच्छे क्रिस्पी और अच्छा स्वाद आता है इनसे। अब हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए गाइस अब ये हमारा चीज़ी कटलेट तैयार हो गया है, और बढ़िया चाय के साथ ये अच्छा लगता है। आप चाहे तो शाम को भी बना सकते हैं, या संडे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए। गाइस ये बनाइएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। बाय गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं।